हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मौज जो है KYC हम कैसे करेंगे। ठीक है, मौज पर KYC। सबसे पहले आप आइएगा प्ले स्टोर, ठीक है, प्ले स्टोर मौज सर्च कीजिएगा। मौज सर्च करने के बाद इसको अपडेट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, अपडेट करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ जो थ्री डॉट है, यहाँ जो थ्री डॉट है इस पर क्लिक कीजिएगा एक बार। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, और जो ये वॉलेट है वॉलेट पर क्लिक कीजिएगा एक बार। ठीक है, हम वॉलेट क्लिक कर देते हैं। वॉलेट पर क्लिक करने में आपको इस तरह आएगा। ठीक है, आने के बाद आपको क्या यहाँ लिखेगा, KYC पेंडिंग। ठीक है, तो यहाँ मेरा KYC वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, मैं वेरीफाइड कैसे किए हैं, ठीक है, तो आपको हम बताते हैं इस वीडियो में कि कैसे वेरीफाई किया जाता है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के लिए आपको हम प्रोसेस बताते हैं। देख सकते हैं अब मेरा KYC वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, अब इसके आगे आपको हम बताते हैं वेरीफाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम काट देते हैं। इसे यहाँ पर लिखी हुई आती है, जैसे कि ये आ चुका है, ये हमारी पेंडिंग है KYC। अब इस KYC को यहाँ पर ऐड करने के लिए सिंपल से मैं इसको टैप करूँगा। टैप करने के बाद कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको अपना पैन कार्ड की एक फ़ोटो यहाँ पे देनी होगी, उस पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर और उस पैन कार्ड के अकॉर्डिंग जो नाम है वो यहाँ पर उसको डेट ऑफ बर्थ, ये चार चीज़ें यहाँ पर सेलेक्ट करनी होंगी। ओके गाइज, तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना जो पैन कार्ड है वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। मेरा जो पैन कार्ड में जो उसका नंबर है वो यहाँ पर मैंने उसको भी अपलोड कर दिया, यानी कि लिख दिया है। और यहाँ पर जो पैन कार्ड के हिसाब से मेरा नाम है वो मैंने लिख दिया है। डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड ये भी मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। मैं जैसे इसको वेरीफाई यहाँ पर अब आपको करना है, ये वेरीफाई जैसे आप इसको टैप करते हैं तो इस वेरीफाई पर ही आपका वेरीफिकेशन होने लगेगा। सो गाइज, वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर हमारे पास खुल जाते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। इस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको पढ़ लेना है, ये पूरा का पूरा लेटर है। बेसिकली इस लेटर में इस मोनेटाइजेशन के बारे में ही लिखा हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड करें, देन इसके बाद यहाँ पर अप्लाई करना है। चलिए कुछ चीज़ यहाँ पर लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस और वापस से आपको प्लेस और एग्री करके यहाँ पर प्रोसीड टू ई साइन, आपको यहाँ पर ई साइन कर देने हैं। एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पर जो मेरा नाम है वो नाम मेरा पैन कार्ड के नाम से ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सैफी सिंगर मेरा जो प्रोफाइल नेम है वो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर वापस से अपना जो मेरा नाम है मेरे पैन कार्ड के हिसाब से मैं वापस से चल रहा हूँ अपने पैन कार्ड के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं एक ईमेल एड्रेस भी दे देता हूँ। ईमेल एड्रेस देने के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ मेरा जो प्लेस है वो यहाँ प्लेस भी आ जाएगा, और एग्री यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं इसके एग्री करके मैं प्रोसीड यहाँ पर कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करता हूँ कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरे को देखने को मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये और इसके बाद कैसे इसको आगे हम फिलअप कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अभी लोडिंग चल रही है और यहाँ पर देखिए जो मेरा पूरा का पूरा एक बायो डाटा है वो इसके अंदर सब आ गया है। तो मैं इस डेटा को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकता हूँ, और ई साइन जो है बेसिकली आप ये देख रहे होंगे ये ई साइन पर आपको टैप कर देना है। मैं जैसे इसको टैप करूँगा तो प्रोसीड यहाँ पर हमें करना है। हमें प्रोसीड करने के बाद वापस से हमें हमारे आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर डालना होगा। यहाँ पर हमें आधार कार्ड का नंबर और उसके बाद एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आएगा, देन उसको हमें यहाँ पर सबमिट करना होगा। चलिए फिलहाल मैं अपना आधार कार्ड का यहाँ पर जो मेरा आधार कार्ड है मैं उसको यहाँ से फिल कर देता हूँ। सो गाइज, मैंने अपना आधार कार्ड का यहाँ नंबर दे दिया है, आपको यहाँ पर इसको ओके करना है और सेंड OTP कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर ओके करके OTP सेंड कर देता हूँ। यहाँ पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद जितने भी वेरिफिकेशन जो है उसका प्रोसेस बढ़ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर वेरिफिकेशन ये पूरा मेरे नाम के साथ आ गया है। मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, और मैं ये देखिए ये फॉर्म बेसिकली यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, लेकिन मैं अगर इसको डाउनलोड कर लूँ तो मेरे लिए अच्छा है। तो यहाँ पर मैं एक PDF डाउनलोड कर लिया है, और ये देखिए KYC वेरिफिकेशन जो है मेरा वो हो चुका है, वेरीफाइड KYC। अब जैसी वेरीफाइड KYC हो गया, रीडम यहाँ पर है, तो रीडम के लिए देखिए मैक्सिमम यहाँ पर आपके जो रीडम है वो आपके यहाँ पर 1000 होने चाहिए, तो मेरे अप्रोक्स अभी इतने हैं। चलिए खैर इसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन बहरहाल मैंने आपको ये चीज़ बता दिया, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज के लिए बस